नमस्कार, मैं हूं अरविंद। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, फील द चेंज, खबरें वही जो हो सही। लोकसभा 23 के कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश टावरे ने गोपाल नगर स्थित कार्यालय पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जहां पर निरीक्षक एमबी संदीप, महापौर जावेद दलवी, पप्पू राका व सुरेश टावरे सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे, जहां पर पत्रकार परिषद में चुनाव से संबंधित कई बातों का खुलासा किया गया। आप लोग एक भी सच आपको निकाल कर देख सकता है, ये कांग्रेस और बीजेपी का डिफरेंस है, इसलिए ये लड़ाई हमारा डेवलपमेंट और सच्चाई लड़ाई है। बड़ी बात से लेके 2014 तक देखो, इस भिवंडी और पूरे भिवंडी लोकसभा के अंदर हर जगह पे आपको काम चालू ऐसे दिखते थे, लेकिन अभी ऐसा है कि सिर्फ 6 महीना हो गया, 4 से 6 महीना तभी यहाँ पर काम शुरू हुए, बाकी 4.5 सालों से यहाँ पर कोई भी काम, विकास का काम शुरू नहीं था। आप भी तभी से लेके आज तक वही इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे के वैसे है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, आगे चल के आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, इससे पहले भी अपने ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या थी, आज भी है सर, आज भी समस्या है, लेकिन वो ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए मैंने दोनों मानकोली और राजनौली नाका यहाँ पर फ्लाईओवर सैंक्शन किए थे, और मेरे ही पीरियड में काम भी शुरू हुआ था करीबन 6-8 महीना पहले, लेकिन आज 5 साल पूरे होने के बाद भी वहाँ पर आज भी वही स्थिति है। तो ये काम था जो सांसद का और जो ये बीजेपी गवर्नमेंट का, कि उसको कंप्लीट करना था, लेकिन सारी जगह पर वैसी ही है। आप आगे जाकर देखोगे तो दुर्गाड़ी किला के पास भी जो ब्रिज का काम शुरू हुआ है वो भी अभी तक 10% भी नहीं हुआ, वो काम शुरू होकर 3 से 4 साल हो गए। उसके बाद में आप जाओ तो वासिन पर, वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग के पास फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ था, आज तक उसको 2 या 2.5 साल हो गया शुरू होकर, लेकिन एक पोल भी खड़ा नहीं हुआ। तो ये कोई भी काम आज तक इन्होंने किए नहीं। अभी महानगर पालिका में कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन आज तक भिवंडी के सिग्नल से उस चालू नहीं हो पाए। इससे पहले भी सिग्नल चालू हुए थे, लेकिन यहाँ पर अपने यहाँ सिग्नल ज़्यादातर नहीं टिक नहीं पाते। नहीं तो उनको लगाया क्यों गया जब टिक नहीं पाते? तो एक बार अपन ट्राई किए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए, इसीलिए उसके बाद मैंने दूसरी बार लगा हुआ है। 2 बार करना है मेरे को मालूम है, 1 बार का मालूम है। और दूसरी बात ये कि भिवंडी की जो खास ये है कि पावर लूम इंडस्ट्री पूरी बंद पड़ी है, और ये 5 सालों में ही हुआ है, उससे पहले यहाँ पर खुशहाली थी, ठीक है एकदम से ज़्यादा नहीं लेकिन खुशहाली थी, लेकिन आज के एकदम से बहुत ही बुरी हालत है पावर लूम के बारे में, और उसके बीच में टोरेंट पावर जो है ये उसमें तकलीफ दे रहा है। अगर अभी अगर मैं चुनकर आता हूँ और अगर हमारी गवर्नमेंट आती है दोबारा, तो 1001% इसको हम बंद करेंगे। इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये लाए थे, लेकिन 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि 10 साल पूरे होने के बाद में यहाँ पर हम लोग सत्ते में नहीं थे। यहाँ पर अपना पावर लूम इंडस्ट्री के लिए स्पेशल पैकेज मिलेगी, इसका मैंने प्राइवेट बिल पेश किया था, लेकिन वो पटल पर आने के बाद में उसी दिन तकोप हुआ था, वही चीज़ मैं जाके इनको 2 बार वो पेपर दिए मौजूदा सांसद को कि ये आप आगे बढ़ाओ, लेकिन वो मैंने इससे पहले एक न्यूज़ में सुना था कि वो बोलते कि मेरे पास पेपर नहीं दिए, लेकिन जो लोग सिल्को हाउस में थे उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस टाइम मैंने उनके हाथ में दिया था, मेरे बाजू में बैठे थे। उससे पहले अपने स्टेडियम पर जो मीटिंग हुई थी वो सांसद बनने के करीबन 6-8 महीने के बाद में, उस टाइम भी उनके घर पर मैंने भेजे थे वो पेपर, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कोई भी आगे कार्रवाई की नहीं। ये सबसे पहले जिम्मेदारी जाते हैं MMRDA के ऊपर, तो आपको यह सवाल भिवंडी महापालिका के हम महापौर होने के नाते ठीक है हम हमसे पूछ सकते हैं, मगर ये जो 120 करोड़ रुपए का ब्रिज और रोड का जो ठेका था, ये ठेका 120 करोड़ का गए नवंबर महीने में ख़त्म हो चुका है, इसको 6 महीने की और मुद्दत वार दी, 6 महीने की मुद्दत वार भी अभी इसके ख़त्म होने पे, तो कहने का मतलब ये है कि इसका भी उन्होंने 15 जून का टाइम दिया, लास्ट 15 जून को ब्रिज का ओपनिंग करेंगे, सब रास्ते बनाएंगे, हमको उम्मीद कम है, फिर भी हम उससे आशावादी होना चाहिए हमको, क्योंकि शहर के नागरिक जो परेशान हो रहा है, आपके महानगर पालिका के नागरिक है, वो MRDA का नागरिक नहीं है, रास्ता आपके क्षेत्र में बनाया जा रहा है, तो आपका फर्ज बनता है उससे कार्रवाई करें। रास्ता दोनों एक साथ होने की वजह से ये लंबा प्रोसेस में गया, इसका 3 साल का टाइम लिमिट गया, नहीं तो 18 महीने के टाइम लिमिट में हम रोड के काम करते,
मगर 18 महीने एक बजे के 3 साल यानी 36 महीने का पीरियड होने के बाद 36 महीना होने के बाद भी वो काम पूरा नहीं हो सका। उसकी वजह टेक्निकली प्रॉब्लम ऐसा है क्योंकि अंडरग्राउंड स्कीम का जो मैटर था MMRDA ने 7 टाइम टेंडर कॉल किया, 7ों टाइम टेंडर में कोई आया नहीं उसमें, जिसके वजह से क्वालिफाइड कोई नहीं होने की वजह से वो अंडरग्राउंड स्कीम के लिए जो अभी देखो आप एक लाइन का काम चल रहा है, एक लाइन का काम बंद है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें, फिर मिलेंगे एक नए सच के साथ। धन्यवाद।